बच्चों का पालन पोषण कर रही है, तो एक बहुत बड़ी बात है ना। इसलिए हमारे जो सिरिल डिसोजा नगर सेवक है, ये हर साल इस प्रकार का कोई ना कोई कार्यक्रम करते रहते हैं। तो मैंने उनको कहा कि भाई अनाथ आश्रम में जाकर बच्चों को खाना पीना खिलाते हैं तो उनको भी एक अच्छा लगेगा, अपनापन की भावना उनमें निर्माण होगी। और यहाँ आने के बाद में मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने कमिट किया है कि इस अनाथ आश्रम को आने वाले दिनों में एमएलए फंड से कुछ देना, ये कोई बहुत बड़ी बात होती नहीं। मैंने कहा कि अगर मेरे स्वयं के कैपेसिटी से या तो मुझे मानने वाले जो लोग हैं उनके माध्यम से भी कोई ना कोई अगर मैं यहाँ पर काम कराऊंगा तो मुझे खुशी होगी और ये मेरा दायित्व बनता है कि मैं इनको मदद करूँ और मैं जरूर करूँगा आने वाले। नहीं देखिए, मैं कभी मेरा जन्मदिन वगैरह बनाता नहीं हूँ क्योंकि मैं बहुत ही गरीब परिवार से यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो जो दिन मैंने देखे हैं जिनके साथ में मैं गुजरता हूँ, रोज काम करता हूँ, तो ये सारा देखने के बाद में जन्मदिन तो बहुत दूर की बात हो जाती है। लेकिन जो लोग मनाते हैं उनको शुभेच्छा शुभकामनाएं। संजय निरुपम जी का भी आज जन्मदिन है तो मैं निश्चित उनको भी शुभेच्छा दूंगा, शुभकामनाएं दूंगा। मैंने मेरे पार्टी के कैडर को बहुत स्ट्रिक्ट कहा है, सिरिल ने आज बोर्ड लगाया तो मैं उनको कहूंगा अगले साल बिल्कुल लगना नहीं चाहिए। कोई नेता का जन्मदिन का बोर्ड लगता तो मुझे बहुत वेदना होता है। और एक बोर्ड बनाने में 1000 रुपये लगते हैं, तो मैंने कहा वो 1000 रुपये अगर अनाथ आश्रम के बच्चों को गर्म देते हैं तो उसका कोई लाभ होगा। एक समय एक जमाना था जब लोग जन्मदिन वगैरह मनाते तो सारे गांव के लोगों को खाना खिलाते थे। अगर ऐसा खाना खिलाने का कोई कार्यक्रम करेंगे तो आज जन्मदिन मनाने का कुछ मायना होता है ऐसा मैं मानता हूँ। तो जन्मदिन के दिन सुबह से लेकर शाम तक लोग कॉस्टली भूखे लेके पहुंच जाते हैं, पूरा ढीला हो जाता है। दूसरे दिन वो सारे फूल को निकाल के फेंक देने का ये कोई समझदारी की बात नहीं। ये पैसे अगर सही लोगों के काम में आए तो जन्मदिन मनाने का कोई मकसद है। मैंने सिरिल को कहा कि अगली बार अगर मुझे मेरे जन्मदिन के दिन अवसर पर आप 10 जगह पर ले जाओ तो मैं आऊंगा। कम से कम लोगों को तो हम मदद रूप बन सकते हैं। तो ये एक विचार लोगों को दिलो दिमाग में हमें डालने की आवश्यकता है। नेताओं का जन्मदिन का पोस्टर अगर कहीं लगता है तो म्यूनसिपालिटी ने उसको तुरंत निकाल देना चाहिए। ये मेरा बहुत स्पष्ट मत है। ये मुंबई शहर की जन्मदिन का पोस्टर लगाने के लिए नहीं है, ये मुंबई शहर के विकास के पोस्टर आप लगाओ, लोगों के दुख दर्द के पोस्टर लगाओ, लोगों को मदद करने के बारे में लगाओ, पर्यावरण के मैसेज देने के लिए पोस्टर लगाओ। तो मैं मुंबई महानगरपालिका के कमिश्नर को आज हमारी सत्ता है मुंबई महानगरपालिका में, केंद्र में और राज्य में, ऐसे बैनर के बारे में हम कहेंगे भाई फ्री ऑफ कॉस्ट लगाने दो बैनर को। लेकिन आप अगर अपना जन्मदिन का पोस्टर लगाकर शहर का नक्शा बिगाड़ते हो तो उसको तो दंडित करना चाहिए।